मैं जाकर सरपंच घोसिया हमने पार्टी को हर जिम्मेदार से पार्टी में टिकट बांटने में कमेटी में थे, हमने सबको कहा था कि इसको बदल दो कांग्रेस की सीट आराम से जीतेगी, लेकिन पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी। तो आज मैं ये कह रहा हूं जितना जोश खरोश से पूरे इलाके की जो जनता है, जो जिम्मेदार आदमी है जिन्हें समर्थन दिया है, और चार चार छह छह पर्चे जो भरे पड़े, सबने ये की बात कही है कि हम जान से और माल से मुख्तार के साथ है। और पार्टी को यह भी पता लग जाएगा, मैंने गहलोत जी से भी कहा था कि आज कह रहे मान लो आप टिकट इसको लिए मत दिए, नहीं ये टिकट हारेगा, और टिकट हरा के भेजेंगे फिर एक बार और मिलेंगे आपसे, जब हम कहेंगे आपने हमारी बात नहीं मानी। और एक और मैंने इंशाल्लाह हम आज निर्बंध दे रहे हैं, जो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आज 36 बिरादरी ने अपनी तरफ से जो हमारे तीन तीन हाँ राजनीति में एमएलए शमसुल हसन जैसा आदमी ने कुर्बानी दिया, तो नौजवान जो जागे है आज ये पहल गए इलाके में, तो पहले से आज रात चला है, जो पहले से रात चला है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और ये तो उखड़ गए और इनकी जमीन जीत होगी अब तो इंशाल्लाह। मैं इस नए वादे के साथ खड़ा हूँ, जय हिंद जय भारत। हमारा ये जो सामान है ऐसा है, हमारा काम विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें जो मेयर कमेटी बस्ती है निवास करती है, वो परंपरागत रूप से हमेशा कांग्रेस का साथी रही है। यहाँ 57 से जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, मेयर कमेटी से कांग्रेस के एमएलए बन के आए हैं। कांग्रेस के सामने जो हमारी एमएलए थी अब वर्तमान में जायदा खान, उसके जो कर्म थे उन कर्मों के खिलाफ हमारी कौम उसके खिलाफ थी। वो तो बोले हमने अच्छा अपनी आवाज को हमारी कौम ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखा, उनकी सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कोर कमेटी जितनी भी इलेक्शन संबंधित कमेटियां थी उनके सामने इलाके के नौजवान बहुत से लोगों ने टिकट मांगा जाकर के, कांग्रेस पार्टी ने हमारी जनता की आवाज को नहीं सुना चला आवाज को, इसलिए आज इस इलाके की जनता ने ये फैसला लिया है सभी समाज में मिलकर के हम जो है चौधरी मुख्तार साहब को अपना कैंडिडेट तय किया है। बिरादरी में मिलकर के हम लोग भाई खुर्शीद भाई दरसर जी मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, हम सब लोगों ने निर्णय लिया बिरादरी के फैसले में हम शामिल हुए, हमने बिरादरी के फैसले चुनाव घर किया है, हम सब कल अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। ऐसी कन्या से कन्या मिलाते थे भाई मुख्तार को एमएलए बनाएंगे, फिर अपील करता हूँ इलाके की जनता से जो निर्णय लिया है हमारी इलाके की जनता में सभी समाज में उसमें वो लोग सहयोग करें, और इंशाअल्लाह हमको अल्लाह कामयाबी देगा।